वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्लिटर स्मोकी आई लुक, जो बिगिनर्स फ्रेंडली है बहुत एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है, आप सोच रहे हो क्या अप्लाई करोगे, तो जस्ट निविया सॉफ्ट को यूज़ कर लेना, मेकअप बेस के लिए बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल्स का लिप बाम, एंड इसको मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट्स के लिए एब्जॉर्ब होने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, एंड ये ख़त्म हो गया है तो इसलिए ऐसे निकल रहा है। गर्मियों में प्राइमर ज़रूर यूज़ करना। मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो नाक पे गिरिया, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे फोरहेड पे थोड़ा सा पिंपल है, टेक्स्चर है, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। नेक्स्ट मैं आईब्रोज फिल कर लूँगी, ब्राउन और ब्लैक दोनों को मिक्स करके, एंड मैंने आईब्रोज को शेप किया है वो पार्लर में जाके। बताओ आप अच्छा लग रहा है कि नहीं? आई नो कि अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं इसको एजेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विच ब्यूटी का कंसीलर, बहुत ज़्यादा अच्छा है अफोर्डेबल में। आपके पास अगर नहीं है तो जाकर ले लेना गाइस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एंड इसको मैं अच्छे से आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रशेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गर्मियों के टाइम में ब्लेंडर ही यूज़ करना। कलर करेक्टिंग के लिए मैं इनसाइड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके यूज़ करने के बाद भी ना मेरे फेस पे थोड़ा सा मतलब ग्रेनेस दिखा अपर लिप्स पे, पता नहीं क्यों। हो सकता है इसको मैंने सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है मुझे, या फिर मतलब ये प्रोडक्ट ही कुछ गलत थे, गड़बड़ है, तो मैं ये सीख रही हूँ अभी, डोंट माइंड। एंड अभी मैं काजल टूट गया है, मैं स्मोकी आइज़ के लिए एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ काजल। एंड इसको आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा ऊपर मत जाना है, आपको आई लैश के तरफ ही रहना है। इसको एक स्मजर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, एंड इसको ऊपर नहीं जाना है, आपको नीचे ही रहना है। लेकिन मैंने एक ब्लंडर कर दिया है, मैंने ब्लेंड करते करते थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर तक ले गया, लेकिन उसको भी मैंने मैनेज कर लिया है। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे मैंने मैनेज किया है। एंड इसको आप अच्छे से शेप देके ना, आपको एक ब्लेंडिंग में ध्यान देना है वी शेप में, जो आउटर कॉर्नर पर एक वी शेप क्रिएट हो जाए, एंड जो एजेस है उसको आपको अच्छे से ब्लेंडिंग में ध्यान देना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो, मतलब मैं इसके ऊपर ब्लेंड करूँगी तो एकदम आईब्रोज तक कलर पहुँच जाएगा, तो आपको उतना नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। एंड नेक्स्ट मैं एक ब्राउन शेड लेकर इसको मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अच्छे से। जो आपको ध्यान रखना है कि आप एक शेप में मतलब बैक एंड फोर्थ और राउंड राउंड में आपको इसको ब्लेंडिंग करना है। इससे मैं हिलारी लोडा की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, अंडर 200 रुपीज़ है। एंड अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको इसमें ज़रूर टाइम इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जो लाइट शेड्स आपको दिख रहा है ना, इसमें से आप कोई भी आपके पास है तो आप वो यूज़ करना। इसको यूज़ करके मैंने वो जो काजल का कलर जो ऊपर चढ़ गया था उसको मैंने ठीक किया। नेक्स्ट मैं ब्लैक शेड को लेकर पूरा आईलिड पे मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैक टैप डैप करके, और सिर्फ ब्राउन कलर से चल जाता है, और कोई कलर की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर तक मतलब काजल को लेके गया तो इसलिए मैंने वो न्यूट्रल शेड यूज़ किया जो स्किन टोन से मैचिंग है। नेक्स्ट एक क्लीन ब्रश से अच्छे से इसको मैसेज बोल रही हूँ ब्लेंडिंग कर लेना है, जब तक एक सीमलेस ब्लेंडिंग ना आए टाइम देना है आपको। मेरे दोनों आईज़ पे हो गया है, एंड एज यू कैन सी आप ऐसे भी रख सकते हो। नेक्स्ट मैं ग्लिटर ऐड कर रही हूँ, यह मैं ग्लैम 21 का ग्लिटर पैलेट यूज़ करके ऐड करूँगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड इसको आपको रैंडमली ऐसे ही अप्लाई कर देना है, कोई मतलब पॉइंट नहीं है कि आपको इस तरीके से उस तरीके से अप्लाई करना है। ये जो आपको ग्लिटरी शिमरी शेड दिख रहा है, सिल्वर टोन गोल्डन टोन दोनों मिक्स, तो इसलिए आपको अप्लाई करना है। आप अगर लैश लगाओगे गाइस तो लैशेस के जगह में ग्लिटर मत लगाना, तो लैशेस नहीं अटकेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, वो कंसीलर सेट को मिक्स करके, ये दोनों जो आपको मैं हर बार दिखाती हूँ। एंड मुझे लगता है अब मुझे कोई दूसरा फाउंडेशन ट्राई करना चाहिए, इससे मैं बोर हो गई। एंड आप देख सकते हो मैंने कलर करेक्टिंग किया था, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, बट फिर भी मैं नेक्स्ट लुक में ज़रूर अच्छे से कोशिश करूँगी कि ये ना रहे। नेक्स्ट मैं स्विच ब्यूटी का कंसीलर से हाइलाइटिंग कर रही हूँ मेरे फेस को। अंडर आईज़ पे ज़रूर कंसीलर यूज़ करना अगर आपका आई मेकअप डार्क है, नहीं तो खिल के नहीं आएगा वो बात। एंड अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई कर रही हूँ, लेस इज मोर गाइस, तो लेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके अब ज़्यादा अप्लाई कर लो। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये एक रानी पिंक कलर का ब्लश है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं जो अंडर आईज़ पे जो क्रीजिंग हो जाता है ना थोड़ी देर बाद, वो हटा के देन मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे डायरेक्टली पाउडर मत अप्लाई करना, तो 10-15 मिनट बाद ना आपके फेस में ऐसा कुछ लाइनिंग दिखेगा अंडर आईज़ पे। तो मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ, मतलब समर के टाइम ये तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा,
यहाँ पर मैं 10 रुपया वाला पॉन्स पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे लगता है अच्छा काम करता है मेरे फेस को बेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पर कॉन्टोरिंग, मतलब इसको इस पार्ट को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है अच्छा, एक ब्राउन शेड को लेकर। ज़्यादा मतलब क्या बोलते हो उसको, ज़्यादा लाइनिंग मत करना, थोड़ा सा अप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना। नोज़ को भी मैंने कॉन्टोर कर लिया। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पाउडर है उसको भी मैं हटा रही हूँ। लोअर लैश लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/3 पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी लोअर लैश लाइन का आप काम नहीं करोगे ना, आपका आई मेकअप एकदम फीका फीका लगेगा। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड को लेकर बस स्मच कर दे रही हूँ। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मार्स की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 200 के अंदर आप इसको ज़रूर ले सकते हो, एकदम फॉल्सीज वाला इफेक्ट देता है। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है फॉल्सीज तो एकदम भूल ही गई हूँ, लेकिन इसमें ज़रूरत था तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। ये टचअप स्पाइस मेबलिन का शेड है, अप्लाई किया एंड फॉल्सीज लगाने के बाद ना आई मेकअप का गेम एकदम चेंज ही हो जाता है ना। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। मेकअप लुक आपको अच्छा लग रहा है, बिगिनर फ्रेंडली ये मेकअप लुक है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिएगा। ये रहा मेरा फाइनल लुक, देन मिलूंगी मैं नेक्स्ट वन पे। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।